राजधानी देहरादून में नगर निगम हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाएगा। बता दें कि कर अनुभाग के समस्त टैक्स इंस्पेक्टर को ऐसे भवन मालिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जो तय सीमा पर टैक्स जमा नहीं कर रहे। इसके तहत ही नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम का टारगेट 7 करोड़ रुपए का है, जिसमें से अभी तक 46 करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है। वहीं शेष राशि की वसूली के लिए जो बकायादार है उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहां से राशि जमा नहीं की जा रही है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम का टारगेट 60 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का है। अभी तक 46 करोड़ रुपए की राशि हमारे पास आ चुकी है। शेष राशि की वसूली के लिए जो भी बकायेदार हैं उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ से राशि जमा नहीं की जा रही है उनको सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।